इस प्रयोग का उद्देश्य जस्ता या ZN, लोहा Fe, तांबा Cu और एल्यूमिनियम Al धातुओं का ZnSO4, FeSO4, CuSO4, AlSO43 इन क्षार विलयनों के साथ होने वाली अभिक्रिया का अध्ययन करना है, साथ ही उनकी क्रियाशीलता के अनुसार उन्हें घटते हुए क्रमांक में रखना। इसके लिए हमें जिन रसायनों की आवश्यकता होगी वो Al2SO43, ZnSO4, CuSO4, FeSO4 हैं, और इसके साथ कुछ धातुओं की जैसे एल्यूमिनियम, लोहे का बुरादा, तांबा और जस्ता की आवश्यकता होगी। इसके साथ परख नली स्टैंड, स्वच्छ पानी और सैंड पेपर, इन उपकरणों की आवश्यकता होगी। पहला भाग, हम अब एल्यूमिनियम के साथ होने वाली अभिक्रिया देखेंगे। चूंकि एल्यूमिनियम स्वयं के क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए हम परख नली में अन्य 3 क्षार लेंगे। इन परख नलियों में एल्यूमिनियम धातु को मिलाएं और उनकी अभिक्रिया देखें। दूसरा भाग, अब हम जस्ते को एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट विलयन में मिलाएंगे और क्या परिवर्तन आते हैं उनका निरीक्षण करेंगे। चुट्टी भर लोहे के बुरादे को एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट में डालेंगे और क्या परिवर्तन आते हैं उनका निरीक्षण करेंगे। अब हम तांबे के बुरादे को लेंगे और उसे एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट के विलयन में डालेंगे और क्या परिवर्तन आते हैं उनका निरीक्षण करेंगे। पहले भाग में जब हमने एल्यूमिनियम को ZnSO4 के विलयन में डाला तब वो विस्थापित हुआ। जब जिंक को FeSO4 के विलयन में मिलाया तब विलयन का हरा रंग धीरे धीरे गायब होता गया, जो विस्थापन का द्योतक है। जब एल्यूमिनियम को विलयन में डाला तब उस विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब होता गया, जो विस्थापन अभिक्रिया है। अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एल्यूमिनियम अपने क्षारों के जलीय विलयन में धातुओं को विस्थापित करता है, जिससे ये पता चलता है सबसे क्रियाशील धातु है। उसी प्रकार हमने यह भी देखा कि जिंक लोहे को और तांबे को उनके क्षार जलीय विलयन से विस्थापित करता है। लोहा सिर्फ तांबे को क्षार विलयन से विस्थापित करता है, तांबा किसी को भी विस्थापित नहीं कर पाता। इसी कारण हम तांबे की किसी भी क्षार विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं देख सकते हैं। अतः हम यह निष्कर्ष लगा सकते हैं कि तांबा सबसे कम क्रियाशील धातु है, लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील धातु है, जिंक लोहे से अधिक क्रियाशील धातु है और एल्यूमिनियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है।